नमस्कार आदाब, क्राइम पेट्रोल सतर्क में मैं अनूप सोनी आप सबका स्वागत करता हूं। सनक अगर सही है तो वो मिट्टी को भी सोना बना सकती है, लेकिन सनक वो फितूर भी है जो बसी वसाई जिंदगी को भी उखाड़ सकती है। ये एक ऐसी दिल दहला देने वाली घटना है जिसने कई परिवार तबाह कर दिए, लेकिन ये बॉम्ब ब्लास्ट क्यों और किस मकसद से करवाया गया था? आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसने इस तबाही की नींव रची थी? हमने आज तक आपकी कोई बात नहीं टाली। अब अगर हम हमारी पसंद से शादी करना चाहते तो आप लोगों को ऐतराज क्यों है? वैसे भी आप लोग तो हमारी शादी करवाने से रहे। हम लोग तुम्हारी शादी हम लोग को आईना दिखाने से पहले ना बेटा आओ आओ ना, खुद आईना देखो और फिर बोलो किसके पल्ले बांधते ही कंचन काया हम लोग है? बेटा वो लड़का जरूर कोनो वो रुपया है, वो तुमको फंसा रहा है। तुम उसके चंगुल में मत आओ नहीं तो धोखा खाओगी, तुम धोखा खाओगी। माँ, अनिकेत को कोई फर्क नहीं पड़ता हम कैसे हैं कैसे दिखते हैं, वो हमें सच्चे दिल से प्यार करते हैं। पर तुम तो बोल रही हो उस अनिकेत के मम्मी पापा तुझे बहू बनाने के खिलाफ है। शादी के बाद तुझे छोड़ के भाग गया तो भाग गया तो और का, उसके बाद पेट फुला के घूमती रहेगी, अपने नसीब को रोती रहेगी। कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग, अनिकेत वैसे नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। कहा अनिकेत वैसा नहीं है जैसा हम लोग सोच रहे हैं? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम नौकरी पैसा लड़की हो और लड़का का नजर तुम्हारी तनख्वाह पर है। अनिकेत हमसे ज्यादा कमाते हैं, उन्होंने तुमसे ये भी कहा है कि शादी के बाद हम अपनी जॉब भी छोड़ सकते हैं। नौकरी छोड़ देगा? ए रुको, क्या बोली? नौकरी छोड़ दोगी? हाँ तुम नौकरी छोड़ दोगी तो घर में रुपया पैसा कहाँ से आएगा? अरे एक बार भी हम लोग के बारे में नहीं सोच रही है कि हम लोग का कहा होगा और करेगी नौकरी छोड़ देगी, बताइए। तो फिकर इस बात की नहीं है कि आपकी बेटी की शादी नहीं हो पा रही, बल्कि फिकर इस बात की है कि हम विदा होकर चले जाएंगे तो आप लोग हमारी कमाई से हाथ धो बैठेंगे, है ना? अरे फिर शुरू हो गया आप लोग, क्यों दीदी को परेशान कर रहे हैं? दीदी आप इनका टेंशन मत लो, काम पे जाओ, हम समझाते हैं इनको। आप जाओ, आप जाओ। क्या समझाएगा रे, देखा नहीं कब बोल के गई है? ऐसे खिसे आएंगे ना तो हमेशा के लिए दीदी से हाथ धो बैठेंगे और उनकी कमाई खाएंगे उनके ससुराल वाले। तुम्हारी खोपड़ी में का अंकुर फूट रहा है, कुछ फूटेगा कि नहीं? कुछ ऐसा किया जाए कि दीदी के मन का भी हो जाए और हमारा दाल भी गल जाए। लीजिए साइन कर दीजिए, आप यहां कर देना। सारा सामान ले लिया? हाँ, और अगर कुछ रह भी जाएगा तो बाद में कभी ले जाएंगे। कुछ दिनों के लिए ना, हम तुम्हें जरा भी दूर नहीं जाने देंगे। अच्छा आपके मम्मी पापा, मेरा मतलब है पहले उनसे नहीं मिलवाएंगे? अभी नहीं। बस बस बस, जी जी क्या? अरे हमारा घर है, आप कौन है? ये आपका घर? हाँ अरे हमारे पति का घर है, अपने पति के घर आए आप, हटिए ना। आप क्या बोले जा रही हैं आप? अरे आप पहले निकलिए यहाँ से। क्यों निकलेंगे? अरे हमारे पति का घर है। ऐसे कैसे घुस रही हैं आप किसी के भी घर में? एक मिनट, ये हमारे पति के साथ आपकी फोटो कैसे? सर ये हमारी बेटी यशोधरा और दामाद अनिकेत की फोटो है, एक हफ्ते पहले उनकी शादी हुई थी और शादी के बाद से दोनों गायब हैं। गायब हो गए साहब? हमें लगा कि शादी के बाद वो दोनों हनीमून पे गए होंगे और जल्दी लौट आएंगे, लेकिन सर शादी के बाद से दोनों का नंबर बंद है। हम लोग उनके घर पे भी गए लेकिन वहाँ ताला बंद था, हमने लोगों से पूछताछ भी की लेकिन कुछ नहीं पता चला। तो आपने उनके घर वालों से पूछा? उसके घर में कोई तो और रहता होगा? उसके माता पिता है लेकिन हमारी कभी बात नहीं हुई उनसे। दरअसल यशोधरा दीदी अनिकेत जी से प्यार करती थी और वो यहाँ अकेले ही रहते थे, उनका कहना था कि उनके माँ बाप इस रिश्ते के खिलाफ थे। अनिकेत जिस मकान में किराए पर रहता था वहाँ का एड्रेस दीजिए और आप बेफिक्र रहिए, हम पता लगा। ठीक है सर। अरे कल बहुत मजे किए भाई, हमने आना चाहिए था यार। अरे और मुकुल भाई,
मुकुल जी देखिए, यही है वो औरत जो हमारे घर में आके जम गई और जो मन में आ रहा है बोले जा रही है। अब इसको बोलिए निकले हमारे घर से। सुनीता, ये ठीक बोल रही है, ये रेणुका है हमारी पहली पत्नी। पर मुकुल जी, आपने तो बताया था आपकी पहली पत्नी का ध्यान। सुनीता, हमने तुमसे कुछ भी झूठ नहीं बोला था। पर मुकुल जी ऐसे ही। सुनीता, हम तुम्हें सब कुछ समझाएंगे, तुम बस पांच मिनट अंदर चली जाओ, मुझे इनसे कुछ बात करनी। रेणुका, कुछ साल पहले तुम बिना बताए हमें अचानक छोड़ के चले गई और आज अचानक वापस आ गई, ठीक है तुम? हम किसी मुसीबत में फंस गए थे मुकुल। कैसी मुसीबत, हमें बताओ। वो हम तुमको नहीं बता सकते। अरे क्यों नहीं बता सकते, तुम जानती हो हम कितने परेशान थे, तुम्हारे जाने के बाद कितना ढूंढा तुम, हमें तो लगा तुमको लगा कि हम मर चुके हैं इसलिए तुमने से शादी कर ली। अरे तो क्या करते, तुम बोलो क्या करते हम? देखो मुकुल, हमको पता है कि तुम मजबूर थे, लेकिन समझने की कोशिश करो मुकुल, हम भी मजबूर थे ना। तुम तो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके हो, लेकिन ठीक है हम ये दुख भी बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन अब हमारा क्या होगा, कहाँ जाएंगे हम, बोलो। अब क्या तुम भी हमें अपने घर से बाहर निकाल दो? नहीं 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 रेणुका, कैसी बातें कर रही हो रेणुका, तुम परेशान मत हो, ये घर आज भी तुम्हारा उतना ही है जितना पहले था। चलो अंदर चलो। सर ठीक है। सर ये अनिकेत जिस घर में किराए पर रहता था, हमने वहां कई लोगों से बात की, अनिकेत शादी के बाद से उस घर में आए नहीं। यशोधरा के पेरेंट्स का कहना है कि अनिकेत के पेरेंट्स शादी के खिलाफ थे, तो क्या दोनों को गायब करने में हम लोगों का कुछ हाथ है? सर कहीं ऐसा तो नहीं कि अनिकेत एक बहरूपिया है, इसने यशोधरा को ट्रैप किया और फिर कहीं गायब हो गए? हमें पता करना होगा कि यशोधरा अनिकेत कहाँ मिले, कैसे मिले और दोनों में अफेयर कैसे हुए। यशोधरा के फ्रेंड्स और क्लिक से बात करते हैं। ठीक है सर। क्या सर, यशोधरा और अनिकेत इन दोनों ने शादी कर ली थी? यशोधरा ने अपनी शादी के बारे में आपको नहीं बताया? नहीं सर, वो तो बोल रही थी कि उसके पेरेंट्स शादी के खिलाफ थे। हमारे पेरेंट्स को इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हमारी और अनिकेत जी की जाति अलग अलग है, बल्कि उन्हें तो इस बात से प्रॉब्लम है कि हम शादी करके चले जाएंगे तो उनका खर्चा बंद हो जाएगा। सर उसके घर में उसके फादर और उसके भाई दोनों कुछ कमाते नहीं थे, वो बेचारी 18 साल की उम्र से काम कर रही थी, लेकिन उन लोग को उसकी कुछ पड़ी नहीं थी। उसके घर वाले तो कह रहे थे कि उन्होंने खुद अपनी मर्जी से उसकी शादी अनिकेत से करवाई थी। अच्छा यशोधरा, अनिकेत को कितने अरसे से जानती थी? आई थिंक कुछ 3-4 महीने पहले वो लोग सोशल मीडिया से कॉन्टेक्ट में आए थे। सर हम अनिकेत को पर्सनली नहीं जानते और ना हम ये जानते हैं कि वो कैसा लड़का था, पर यशोधरा वो उसको जेन्युइनली बहुत प्यार करती थी। रेणुका, तुम्हारा बिस्तर यहाँ लगा रहे हैं, ये कंबल भी रख दिया है। अरे कहाँ मुकुल भैया, आजकल दो दो औरतों के साथ रातें गुजर रहे हैं? क्या बकवास कर रहे हो? कहाँ बकवास कर रहे जी, दिख ही रहा है सामने। रुको वहीं, रुको वहीं पर, भरत का बच्चा तो रुको, रुको वहीं पर। ए, तुम्हारा मुंह नोचेंगे हम। किस किस का मुंह नोचेंगे आप? देखो कुछ लुटपुटांग बोल रहे हो। आपकी गलती की वजह से बोल रहा है, आपने किस हक से इस औरत को इस घर में जगह दी है? इसको अभी के अभी यहाँ से निकालिए। सुनो सुनो, हमारी बात को समझने की कोशिश करो। हमें कुछ नहीं समझना है, अगर आप इसे इस घर से नहीं निकाल सकते तो हम ये घर छोड़ के जा रहे हैं और अब भी जा रहे हैं। सुनीता सुनीता सुनीता, क्या तरीका है? सुनो सुनीता, अगर तुम इस तरह से बिहेव करोगी तो मोहल्ले वालों को बातें करने का मौका मिल जाएगा। अरे हमें थोड़ा सा वक्त तो दो। सुनो सुनो सुनीता, देखो हम उसके लिए दूसरे घर का इंतजाम कर रहे हैं और जैसे कोई दूसरा घर मिल जाएगा तो उसे भेज देंगे, चली जाएगी ना वो, बात खत्म। वो यहाँ से तो चली जाएगी,
लेकिन आपके दिल से जाएगी क्या? देखिए मुकुल जी, हम आपको उस औरत के साथ नहीं बांट सकते। आप हमसे शादी किए हैं ना, तो उसको हमेशा हमेशा के लिए छोड़ना होगा। सर, मैंने यशोधरा और अनिकेत के सोशल मीडिया अकाउंट चेक किए। दोनों ने अपने अकाउंट 16 फरवरी को 3 बजे डीएक्टिवेट किए थे। 16 फरवरी, और इसी दिन दोनों के फोन भी बंद हुए थे। और 16 फरवरी को दोनों की कोर्ट मैरिज हुई। कोर्ट मैरिज के तुरंत बाद दोनों गायब हो गए। तो अनिकेत ने यशोधरा को गायब किया है या दोनों किसी जुर्म का शिकार हुए हैं? ये केस हर लिहाज से अटपटा नजर आ रहा है। एक तरफ यशोधरा का परिवार बोल रहा था कि अनिकेत का परिवार यशोधरा और अनिकेत की शादी के खिलाफ था, लेकिन सच ये भी था कि यशोधरा का परिवार भी इस शादी के खिलाफ था। तो फिर वो इस शादी के लिए राजी क्यों हुए थे? अनिकेत और यशोधरा का गायब होना क्या ऑनर किलिंग से जुड़ा था, या फिर यशोधरा अनिकेत के छलावे का शिकार हुई थी, या फिर यशोधरा और अनिकेत ने अपनी मर्जी से गायब होकर अपने परिवार वालों से नाता तोड़ लिया था? आखिर एक नवविवाहित जोड़ा अचानक गायब कहां हो गया था? पुलिस अनिकेत के परिवार से जुड़ी कोई जानकारी नहीं जुटा पा रही थी, और वहीं शक के आधार पर यशोधरा के परिवार से जुड़ी हर जानकारी वो जुटा रहे थे। साहब, यशोधरा देखने में सुंदर नहीं थी, लेकिन दिल की बहुत अच्छी थी। ऐसे तो उसकी शादी 6-7 साल पहले ही हो जानी चाहिए थी, लेकिन उसके घर वालों की नियति कहाँ थी? उसका घर बसाने की। चलो माँ, हम आते हैं। हाँ ठीक है। मंजुला बहन, यशोधरा की उम्र हो गई, उसकी शादी नहीं करोगी? अरे बहन, हमारा बस चले तो हम कल ही उसका हाथ पीला कर दे, बाकी कोई पहले पसंद करे तो। हमारी नजर में एक बहुत अच्छा लड़का है, ठीक ठाक कमा भी लेता है, और उसकी कोई मांग भी नहीं। चलाए बात। वो कहा है ना बहन कि यशोधरा नहीं चाह रही है शादी करना। मंजुला ने हमको ऐसा कहा तो हम खुद ही यशोधरा से बात की। बेटा, तुम अपनी माँ के लाए रिश्तों को ठुकरा क्यों देते हो? देख बेटा, सपनों से घर नहीं बसते, समय रहते शादी कर ले, वरना आगे कोई लड़का नहीं मिलेगा बेटा। जी कैसी बातें कर रहे हो आप, पैसा तो कुछ भी नहीं है, किसने कहा आपसे? पता नहीं उसके बाद यशोधरा के घर पे क्या बवाल मच गया, उसका लफंगा भाई हमें धमकी देने आ गया। दीदी के मन में हमारे लिए जहर मत भरो, ये तो ठीक नहीं होगा। बेटी की कमाई के लालच में जब अपनी ही लड़की का घर बसने न दे, तो सोचो साहब कितने लोग होंगे वो। ये बताइए कि बीमा के पैसे कब तक मिलेंगे? इसमें सारा पेपर कहाँ है भैया? देखिए, आपके प्रमाण पत्र से पहले यशोधरा का मृत्यु प्रमाण पत्र चाहिए हमको। हम बोले थे ना आपसे कि आपके कहने से कि यशोधरा मर गई है ये प्रमाणित नहीं होता। लेकिन साहब, अब कुछ तो कीजिए साहब। देखिए, हम कुछ नहीं कर सकते। ये लीजिए। थोड़ा लेट हो गया। ये लो तुम्हारे नियाज़िम। और बाकी तैयारी हो गई ना? इतना आसान नहीं है, बहुत खर्चा होगा। तुम हमारे लिए इतना खर्चा भी नहीं कर सकते। हम मानते हैं हम बदनसीब अपनी बेटी की कमाई खा रहे थे, लेकिन हमने भी तो उसके पालने पोसने में अपना खून पसीना एक कर दिया था। अब अगर वो अपना फर्ज निभा रही थी तो इसमें गलत क्या था साहब? फर्ज जब मजबूरी बन जाए तो निभाना भारी हो जाता, जैसे अपनी बेटी की शादी करना आप लोगों के लिए भारी पड़ने वाला था, क्योंकि अगर उसकी शादी हो जाती तो घर में कमाने वाला कोई ना बचता। सर, ये आपको किसने बताया कि हमारे घर में कोई नहीं कमाता? वो छोड़। और ये बता, बिना कमाए अपनी गर्लफ्रेंड को सोनी की चेन गिफ्ट करता है? और क्या बोल रहा था अपनी गर्लफ्रेंड को? कि वो चेन यशोधरा की है। अभी तू ये बता कि यशोधरा को कहाँ गायब किया तूने? सर, हम लोग को नहीं पता कि यशोधरा कहाँ। हम लालची जरूर, लेकिन अपनी बेटी को मार नहीं सकते। बेटी को मार नहीं सकते तो उसकी LIC के पैसे हासिल करने की इतनी जल्दबाजी क्यों मचा रहे थे? हाथ में ढेला नहीं, यशोधरा मिल नहीं रही, ऐसे में हम क्या करते? कुछ तो जुगाड़ करने की सोचते ना। ऐसा जुगाड़ किया कि अपनी बेटी के साथ साथ अनिकेत को भी गायब कर दिया। आप गलत समझ रहे हैं, हमने ऐसा
कुछ नहीं किया है साहब। अच्छा, आप लोग तो अपनी बेटी की शादी करना नहीं चाहते थे, फिर अचानक ये हृदय परिवर्तन कैसे हो गया? सही है सर, कि हम नहीं चाहते थे कि हमारी बेटी की शादी, लेकिन अचानक महेश का सुर बदल गया। खबरदार, जो आज के बाद हमारी दीदी से ऐसी बात की। असली सुंदरता इंसान के मन में होती है, लेकिन भैंस के आगे कौन बिन बजाए। ये सब तुम हमको सुना रहे हैं? हाँ, आपको बोल रहे हैं, और कान खोल कर सुन लीजिए कि अगर दीदी अनिकेत जिससे प्यार करती है तो शादी उन्हीं से होगी। जब भाई बहन एक हो जाए तो हमारा बस कहाँ चलता। अब उसकी शादी करा दी, लड़का यशोधरा को लेकर कहाँ गायब हो गया कुछ नहीं पता साहब। अब ये मगरमच्छ का आंसू बहाना बंद कर, नहीं तो। सर आप चाहे हमें कितना ही मार लो, लेकिन हम सच बोल रहे हैं सर, यशोधरा दीदी और अनिकेत जी गायब कराने में हमारा कोई हाथ नहीं। सर हम तुमको खुश देखना चाहते, सर हमारा यकीन कीजिए, सर हमें माफ कर दीजिए। तू ऐसा नहीं मानेगा, मारो इसको। सर ये यशोधरा के माँ बाप और भाई पक्का घड़ियाले आंसू बहा रहे हैं। ये लोग यशोधरा को अनिकेत से शादी करने से रोक नहीं पा रहे थे, तो उसको मार के उसके जीवन बीमा का पैसा खाने की सोची और इन दोनों की शादी होने दी, ताकि यशोधरा के मर्डर का आरोप अनिकेत के ऊपर आ जाए। अगर यशोधरा का कत्ल हुआ है तो उसकी बॉडी तो मिलनी चाहिए थी, और अगर उसके पेरेंट्स ने यशोधरा को सिर्फ इसलिए मारा है ताकि इंश्योरेंस का पैसा क्लेम कर सके, तो उस सूरत में भी यशोधरा की बॉडी मिलना जरूरी है, क्योंकि जब तक कंफर्म नहीं होगा कि यशोधरा मर चुकी है, इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा। विवेक, ये मामला कुछ और है। यशोधरा की शादी उसकी पेरेंट्स की रजामंदी से नहीं हुई, बल्कि महेश की रजामंदी से हुई। अब हमें जानना यह है कि महेश ये क्यों चाहता था कि उसकी बहन की शादी अनिकेत से हो जाए। सर, महेश के बारे में एक इन्फॉर्मेशन मिली है, उसका एक बार में आना जाना था, और सुनने में आया कि अनिकेत भी वहाँ पर आता जाता था। तो जीजा साला शादी से पहले ही एक दूसरे से जान टकराते थे, पता लगा कि जीजा साला ने शादी से पहले आपस में रिश्ता कसा था। ओके सर। तैयारी कहाँ तक पहुंची? मसाले का इंतजाम हुआ कि नहीं? ये लड़का आपके बार में आता था, इसके बारे में जानते हैं कुछ? हाँ सर, महेश के साथ हमने कई बार देखा इसे यहाँ। ये दोनों साथ में ही आते थे? नहीं सर, दोनों यहाँ अलग आते थे, दोनों में 36 का आंकड़ा था। हमारी साला तो तू बनेगा हमारा, समझा? बेस साला तेरा। फिर दोनों एक एक दोस्त हो गए, पता नहीं दोनों के बीच क्या समझौता हुआ। हमने बस इतना देखा कि इस लड़के ने महेश को पैसे दिए थे। सुनीता, ये लो डाइवोर्स पेपर्स, अच्छे से पढ़ लो। क्या पढ़ा इसमें? क्या कहना चाहती हो? इसमें लिखा है कि तुम खुशी खुशी मुकुल को तलाक दे रही हो। ये लो, साइन कर दो। तुम्हारा दिमाग खराब है? हम साइन करेंगे इस पे? तुम ना सपने में जी रही हो। सुनीता, तुम ना हमें जानती नहीं हो अभी ठीक से। मुकुल हमारे इशारे पर नाचता है, समझी? और अगर फिर भी तुम अपने पति के साथ रहना चाहती हो तो रहो, कोई बात नहीं। बस हमें 5 लाख रुपए दे। 5 लाख? हाँ 5 लाख। अगर हमने अपना जादू मुकुल पर चला दिया ना, तो लात मारकर तुम्हें इस घर से बाहर निकाल देगा, समझी? इसलिए हमें 5 लाख रुपए दे दो, फिर मुकुल तुम्हारा। हम बिना कुछ किए चुपचाप यहाँ से चले जाएंगे। पहले मारपीट, फिर दोस्ती, और फिर रिश्तेदारी। क्या चक्कर चल रहा था तेरा अनिकेत के साथ? कैसा चक्कर साहब? बोलेगा? अब सही कह रहे हैं साहब, हमारा अनिकेत का रिश्ता झगड़े से शुरू हुआ था सर, क्योंकि हमारी दीदी का वो पीछा करता था। सर पहले तो हमने उसे कुछ नहीं कहा, लेकिन सर फिर उसने हद कर दी। हमारी दीदी जहाँ कहीं भी जाती थी आगे पीछे लगा रहता था, रोज उसका पीछा करता रहता था। सर कुछ ही दिनों में उसकी धमकी सच नजर आने लगी थी। दीदी बोल रही थी कि शादी करेगी तो अनिकेत से करेगी। अनिकेत ने तेरे मुंह में इतने पैसे ठूस दिए
कि तू हो गया। अबे तुझे मरने का शौक चढ़ा गया कि फिर सामने आ गया, चल निकल। हम तुमसे झगड़ा नहीं सुलह करने आए, साइड में चल के बात करें। देख, हम तुम्हारी बहन से सच्चा प्यार करते हैं और वो भी हमसे सच्चा प्यार करती है, ठीक है? अब तक वो जो भी तुम्हारे परिवार के लिए करती आई है, उसमें हम उसका बढ़ चढ़ के साथ देंगे। अब तुम अपने माता पिता से हमारे जीजा बनने की सिफारिश कर दो, वो तुम्हारी दीदी की बात नहीं मान रहे हैं, करोगे ना हमारी मदद? चंद पैसों के लिए अपनी बहन को आग में झोंक दिया, शादी नहीं सौदा किया उसका, बेच दिया उसे। नहीं साहब, कैसी बात कर रहे हैं आप, हम भाई हैं उसके। अनिकेत हमें पैसे देता था, लेकिन हमें लगा वो उसका ख्याल रखेगा, हमें अच्छा लगा वो। अच्छा तो लगेगा ही, पैसे देने वाले तुम जैसे लालची लोगों को अच्छा तो लगते ही। अभी भी ये पूरा सच नहीं बोला, सच बोलो आज से। नहीं सर, हम सर, हम सर सब सच बता दें। नहीं साहब, ऐसे कैसे बैठे हुए, कुछ है तो महेश अपना औलाद है, जाइए ना, जाके देखिएगी पुलिस कब तक उसको छोड़ेगा। पिछली बार गए थे ना तुम्हारे कहने से बीमा के ऑफिस, पुलिस हम पे शक की, हमसे पूछताछ की। हमको तो लगता है इस कांड में महेश का कोई जोर हाथ है, तभी पुलिस पकड़ के रखी है उसको, समझी? महेश का बहुत थोड़ा है सर, लेकिन वो अभी यही कह रहा है कि शादी के बाद यशोधरा अनिकेत के साथ चली गई थी, और उसके बाद उसने और उसके माँ बाप ने इन दोनों को कभी नहीं देखा। तो फिर यशोधरा और अनिकेत कहाँ गए? क्या यशोधरा अनिकेत की किसी बैड इंटेंशन का शिकार हुई है, या यशोधरा और अनिकेत दोनों किसी जुर्म का शिकार हुए, या फिर बाप माँ और भाई के अलावा कोई चौथा ही है जो अभी तक हमारी रडार में नहीं आया? एंटी सोशल ग्रुप। 3 महीने पहले ना हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी कि सुमेर नगर के बॉर्डर के रास्ते RDX की खेप भेजी गई थी, जो हमारा अंदाजा है कि मंगल सिंह एंटी सोशल ग्रुप के लिए भेजी गई थी। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है, ये एंटी सोशल ग्रुप पब्लिक प्लेसेस को टारगेट करता है, और ये ब्लास्ट फैमिली फंक्शन में हुआ। पता लगाओ कि इस एंटी सोशल ग्रुप का विक्टिम फैमिली से कोई कनेक्शन था। सर, ये जितेंद्र सिंह, इसी ने वो फंक्शन ऑर्गेनाइज किया था जिसमें ब्लास्ट हुआ। सर, उस ब्लास्ट में इसकी फैमिली और इसके रिश्तेदार। अभी तक की इन्फॉर्मेशन के मुताबिक इस जंगल के एरिया से मंगल सिंह अपने गैंग को ऑपरेट करता था, लेकिन अभी उसकी करंट लोकेशन क्या है ये अपने इन्फॉर्मर्स को भेज के पता लगा। सर, सर मैंने यशोधरा और अनिकेत के सोशल मीडिया अकाउंट को अच्छे से चेक किया, दोनों की चैट हिस्ट्री को देखकर ये लगता है कि दोनों में नॉर्मल चैट होती थी, मतलब लव कपल टाइप। तो इन दोनों के जितने फॉलोअर्स हैं उनमें कोई सस्पिशियस मिला आपको? सर, यशोधरा के सोशल मीडिया अकाउंट में तो ऐसा कुछ नहीं मिला, लेकिन अनिकेत के अकाउंट में सुधा नाम की लेडी का एक अकाउंट मिला जो लगातार उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रही थी। तो उसमें सस्पिशियस क्या लगा? ये देखिए सर, सस्पिशियस ये है कि सुधा अपने मैसेजेस में अनिकेत को मनीष के नाम से एड्रेस कर रही थी। हाय मनीष, कहाँ हो आजकल, तुम हमसे बात क्यों नहीं करते? ये सुधा की डिटेल्स निकलो, पता तो चले कि अनिकेत को मनीष क्यों लिख रही। सर, जितेंद्र की फैमिली का किसी एंटी सोशल ग्रुप से तो कोई कनेक्शन नहीं मिला है, लेकिन सर जितेंद्र के कॉल रिकॉर्ड्स में एक सस्पिशियस नंबर मिला है जो मुकुल देव के नाम से रजिस्टर्ड है। सर, ब्लास्ट से 1 महीना पहले तक इस मुकुल देव के साथ जितेंद्र की लगातार काफ़ी बात हो रही, लेकिन सर फिर अचानक से बातें होना बंद हो गई, और ब्लास्ट से कुछ दिन पहले इस मुकुल देव का नंबर भी स्विच ऑफ हो गया जो अभी तक स्विच ऑफ है। इस मुकुल देव की एक एक इन्फॉर्मेशन निकालो और पता लगाओ ये रहता कहाँ पर है। सर, क्या हुआ, बड़े परेशान लग रहे हैं? नहीं कुछ नहीं, बस वो हमें पता है आप रेणुका को कॉल लगा रहे थे, पर अब वो कभी लौट के नहीं आएगी। क्या कहना चाहती हो तुम, साफ साफ बोलो। मुकुल देव जी, मैं हूँ। कौन गाइस, सर्च करो। अरे हुआ क्या, आप किचन में, बाथरूम में, स्टोर रूम में, हर जगह में कहाँ जा रहे हैं? सर, यहाँ भी जाओ, बेडरूम में भी अच्छी तरह से चेक करना। हुआ क्या है आप? एंटी टेररिस्ट टीम, चुपचाप खड़े हो जाओ यहाँ पर, सब जगह चेक करो ठीक से। सर, हम बता रहे हैं आपको, कोई गलत फहमी हुई है बिना वजह यहाँ पर। सर, सर अगर अच्छे से चेक किए कुछ नहीं है। सर, कुछ होगा तभी मिलेगा ना, ऐसा कुछ है ही नहीं। सर, जितेंद्र? कौन जितेंद्र? ये जितेंद्र जिसके फोन पर तेरे फोन से लगातार फोन हो रहे थे, 9893754 तेरा ही नंबर है ना? जी नहीं सर, ये मेरा नंबर नहीं है, ये नंबर तो मेरी बीवी इस्तेमाल करती थी।
नहीं सर, ये वो नहीं है, उनका नाम रेणुका है। वो मेरी पहली बीवी है, कुछ साल पहले अचानक मुझे छोड़कर चली गई थी, अभी पिछले महीने ही वापस आई है यहाँ रहने के लिए। रेणुका, कुछ साल पहले तुम बिना बताए हमें अचानक छोड़ के चली गई और आज अचानक वापस आ गई, थी कहाँ तुम? हम किसी मुसीबत में फंस गए थे मुकुल। सर, रेणुका इतने सालों तक कहाँ रही, उसने हमें कभी कुछ बताया ही नहीं, बस ये बोलती रही कि वो कुछ वक्त तक यहाँ रहेगी फिर चली जाएगी। रेणुका आप कहाँ हैं? पता नहीं सर, वो तो कल रात से घर भी नहीं लौटी है। सर हमें तो डर लग रहा है। सर वो बहुत गिरी हुई औरत है सर, उसने हमको धमकी दी थी कि अगर हम उसको 5 लाख रुपए ना दें तो वो मुकुल जी को हमसे छीन लेगी। सुनीता क्या बकवास कर रही हो तुम? हमने आपको नहीं बताया क्योंकि आप थे उसके पीछे। सर हमने अपने गहने बेच के मुकुल जी के लिए हमने उसको 5 लाख रुपए दिए। अब चली जाओ, दोबारा कभी लौट के मत आना। बिल्कुल नहीं आएंगे, बस तुम हमारे मुकुल का ख्याल रखना। सर हमें तो शुरू से ही उस औरत के इरादे ठीक नहीं लग रहे थे, पर यही उसे नहीं समझ पाए। रेणुका का कोई फोटो है आपके पास? सर इस मुकुल के घर पे तो हमें कुछ सस्पिशियस नहीं मिला, आपको क्या लगता है ये दोनों पति पत्नी सच बोल रहे होंगे? इन दोनों मियां बीवी पर नजर रखो और रेणुका को तलाश करो। और एक काम करो, ये सुनीता, मुकुल और रेणुका, इन दोनों का कोई एंटी सोशल ग्रुप से कोई कनेक्शन तो नहीं है, चेक करो। Excuse me. Yes, sir. ये तस्वीर हमने इसके सोशल मीडिया अकाउंट से ली, अनिकेत नाम है इसका, आप जानती हैं इसे? सर ये अनिकेत नहीं, ये तो मनीष है, और मुझे नहीं पता इसने सोशल मीडिया पे अपना अकाउंट अनिकेत नाम से क्यों बनाया। अच्छा मान लिया है मनीष, पर आप इस मनीष को कैसे जानती हैं? सर मनीष और मैं कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे, लेकिन काफ़ी टाइम से हम दोनों कॉन्टेक्ट में नहीं थे। अभी कुछ दिन पहले ही सोशल मीडिया पे मैंने मनीष की फ़ोटो देखी, उसके बाद ही मैंने उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी। उसी सोशल मीडिया अकाउंट से ही अनिकेत मतलब मनीष यशोधरा के कॉन्टेक्ट में आया, और इन दोनों ने शादी की, तब से दोनों गायब। ये यशोधरा, आप इसे जानती हैं? नहीं सर। अच्छा आप और मनीष कौन से कॉलेज में पढ़ते थे? सर रांची के मनोहर लाल कॉलेज में। ये तो पूरे दावे के साथ कह रही है कि अनिकेत नहीं मनीष है। रांची के मनोहर लाल कॉलेज से पता करो, पता तो चले ये अनिकेत है या मनीष। पर ये सुधा कहीं कोई कहानी तो नहीं बना रही? ओके सर। मुकुल का फ़ोन नंबर रेणुका इस्तेमाल कर रही थी, रेणुका उस नंबर से लगातार जितेंद्र को फ़ोन कर रही थी, और वो साथ में मनीष को भी फ़ोन कर रही थी, लेकिन जब से बम ब्लास्ट हुआ इस मनीष का नंबर और रेणुका का नंबर स्विच ऑफ आ रहा है। तुम्हारे पास इस मनीष के बारे में कोई डिटेल है? हाँ सर। ये सर मनीष बसपा गांव का रहने वाला है सर, और एक सरप्राइजिंग बात यह है कि दर्शनबाग पुलिस को भी इसकी तलाश, और इस मनीष का एक अनिकेत नाम से सोशल मीडिया अकाउंट है जिसके ज़रिए ये एक यशोधरा नाम की लड़की से कॉन्टैक्ट में आया जिससे इसने शादी की, और सर करीब 6 महीने पहले ये मनीष और यशोधरा दोनों गायब हो गए सर। सर तभी से दर्शनबाग पुलिस इस मनीष उर्फ अनिकेत और यशोधरा की तलाश में जुटी है। तो हम दर्शनबाग पुलिस से मिलते हैं सर, इसके बारे में पता लगाते हैं। चलो इस रेणुका और मुकुल के साथ हमारी तहकीकात के मुताबिक मनीष और फनिकेत का कोई कनेक्शन नहीं मिला, इनफैक्ट हमारे पास उसका दूसरा नंबर भी है जो उसी की आईडी से लिया गया। एक ही शक्ल का आदमी और दो अलग अलग नाम से आईडी है, इंटरेस्टिंग। इस फनिकेत की बैकग्राउंड में हमें एक भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली, लेकिन जब हम सुधा नाम की औरत से मिले तब हमें पता चला कि अनिकेत का नाम मनीष है, और ये भी कि सुधा और मनीष दोनों रांची के मनोहरलाल कॉलेज में पढ़ते थे। वहाँ से हमें उसके गांव का पता चला, बसपा। मनीष के फादर एक्सपायर हो गए हैं, इसका एक बड़ा भाई है, लेकिन वो कहाँ रहता है इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता, और अभी तक हमें यशोधरा के बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। और रेणुका भी गायब है। हमें लगता है रेणुका और मनीष का इस ब्लास्ट से कनेक्शन हो सकता है। एक बार सुधा से फिर से मिलो, अगर वो ये जानती है कि अनिकेत नहीं बल्कि मनीष है तो हो सकता है वो रेणुका के बारे में भी जानती हो। ओके रेणुका है, ये मनीष और मेरे साथ मनोहर लाल कॉलेज में एक साथ पढ़ती थी। इस रेणुका के बारे में आप और क्या जानती हैं? आपको कुछ पता है कि इस वक्त ये कहाँ हो सकती है? सर मैं रेणुका से काफ़ी टाइम से कांटेक्ट में नहीं हूँ, लेकिन आपको इतना बता सकती हूँ कि कॉलेज टाइम में मनीष और रेणुका का अफेयर था। क्या आपके फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसा है जिसको इस बात का अंदाजा हो कि इस वक्त ये रेणुका और मनीष कहाँ हो सकते हैं? सर कह नहीं सकती, लेकिन मैं अपने कॉलेज टाइम के फ्रेंड्स लोगों से बात करके देखती हूँ। ठीक है। रेणुका का हस्बैंड मुकुल बोल रहा था कि रेणुका उसे कई साल पहले छोड़कर चली गई थी,
और उसके बाद वो लगातार जितेंद्र के टच में थी, लेकिन अचानक उसने जितेंद्र को कॉल करना बंद कर दिया और वो फिर मनीष के टच में आ गई और उसके बाद से यशोधरा भी गायब हो गई और जितेंद्र के फैमिली फंक्शन में ब्लास्ट हो गया। इस ब्लास्ट का कोई कनेक्शन यशोधरा के गायब होने से भी जुड़ा है? हमें रीचेक करना होगा कि जितेंद्र का यशोधरा या उसकी फैमिली से क्या कनेक्शन हो सकता है। हाँ, दिन भर बैठ के खाते रहे, कुछ कमाना मत कभी। बेटे के मोह ममता के चक्कर में इतनी सुशील बेटी से हाथ धो बैठे ना, तो ये पछतावा तब क्यों होता जो यहाँ पे थी? तेरे जैसे सांप को दूध पिलाते रहे, तू ही डसा अपनी बहन को। अरे डसे आप हैं, वो हमारा मुंह मत खुलवाइए। अरे बस की, बस की। बाप से जबान लड़ाता है। जबान इसका नाम जितेंद्र है, आप लोग जानते हैं इसे? नहीं साहब, हम किसी जितेंद्र को नहीं जानते हैं। लेकिन ये लड़का साहब, यशोधरा के बारे में कुछ पता चला? अब तो 6 महीने गुजर गए, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है कि आप लोगों को इंतजार है उसका। क्या कह रहे हैं सर, हम लोग ऐसे लोग दिखाई दे रहे हैं क्या आपको? खुद हमारी बेटी को खोज नहीं पा रहे और बार बार आके हम लोग को अपमानित करते रहते। हमारे इन्फॉर्मर्स ने इस मंगल सिंह के एंटी सोशल ग्रुप की इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश की, लेकिन सर फिलहाल ये कहना मुश्किल है कि उनका रेणुका, मुकुल, मनीष या फिर इस अनिकेत से कोई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। और रेणुका और मनीष भी गायब है, कोई लीड मिली तुम्हें? सर एक इन्फॉर्मेशन है, मुकुल जब घर से बाहर गया था तो उनके एक पड़ोसी महेंद्र ने रेणुका को रांची की बस में बैठते हुए देखा था। हमारे इन्फॉर्मर्स रांची में उसके ठिकाने का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सर वहाँ से भी कोई लीड हाथ नहीं लगी। हेलो, हमें रेणुका के बारे में एक इन्फॉर्मेशन मिली है। सुधा और मनीष के कॉमन फ्रेंड से पता चला है कि रेणुका के किसी दोस्त का घर है रांची में, जहाँ वो अक्सर जाया करती थी। किस दोस्त के घर में? ये तो अभी पता नहीं चला है, लेकिन इतना ज़रूर पता चला है कि ये घर अशोक नगर में है। हो सकता है रेणुका अभी भी वहीं हो। अशोक नगर, अच्छी तरह से मालूम है कि तुम जितेंद्र से लगातार टच में थी। अगर अब तुमने झूठ बोला ना, तुम्हें एक ही झूठ के लिए बहुत पछताना पड़ेगा। सर हमने कुछ नहीं किया। ये ऐसे नहीं बोलेगी, लेके जाओ इसे और पूछताछ करो ठीक से। अरे नहीं नहीं नहीं, प्लीज प्लीज हमें छोड़ दीजिए, प्लीज प्लीज हम सच बताते हैं, हम सब सच। हां कम ऑन। असल में गलती हमारी स्वर्गीय माता जी की, जो हमारी शादी उस बेवकूफ मुकुल से करवा दी। एक तो इतनी छोटी सी वो जॉब करता था सर, और आगे बढ़ने का भी उसे कोई शौक नहीं था, लेकिन हमें था, हम आगे बढ़ना चाहते थे। फिर एक दिन एक पार्टी में हमारी मुलाकात जितेंद्र से हुई। वो हम पर लट्टू हो गया, लाखों रुपए उड़ाने लगा। साला कहता था कि अपनी बीवी को छोड़ देगा, तलाक देके हमसे शादी करेगा, और उसने हमें अपने फार्म हाउस में रख लिया सर। लेकिन वो हमारा सिर्फ इस्तेमाल कर रहा था और कुछ भी नहीं। तुम्हारे लिए हम अपने पति को छोड़ दिए, ऊपर से अब तुम हमसे कह रहे हो कि हमसे शादी नहीं करोगे और हमें घर से भी बाहर निकाल रहे हो। अरे तुम में है क्या जो तुमसे शादी करे? और इतने दिन रही हो ना तुम फ्री में फार्म हाउस में, सामान पैसा सब कुछ तो दिया मैंने। जाओ जाके ढूंढ लो किसी और को। एक मिनट, तुम समझते क्या हो हमको? अरे चिपको मत हमसे ज्यादा, क्या समझे, किसी वेश्या से तो कम नहीं हो तुम। हमने सोच लिया था सर कि हम उसको और उसके खानदान को बर्बाद कर देंगे, नहीं छोड़ेंगे, इसलिए उसकी पार्टी में हमने बॉम्ब फिट करवा दिया। कैसे फिट करवाए और बॉम्ब का इंतजाम किया किसने? तोहफा तैयार है तुम्हारा? तैयार है तो पहुंचा दो उसके घर। और हाँ ध्यान रहे, पार्टी में किसी को शक ना। अच्छा तो इसने पार्टी में बॉम्ब प्लेस किया और बॉम्ब का इंतजाम भी किया, लेकिन बॉम्ब का इंतजाम किया कैसे? वो हमको नहीं मालूम सर, लेकिन उसने हमारी मदद की थी, क्योंकि एक बार हमने भी उसकी मदद की थी। कैसी मदद? सर कॉलेज के बाद हम कभी नहीं मिले थे, फिर एक रोज रास्ते पे हम दोनों टकरा गए। मनीष,
रेनुका, तुम यहाँ? बातों बातों में पता लगा कि मनीष सालों से शांताराम को ढूंढ रहा है। सर, हमने शांताराम को शहर में देखा था और हम बहुत टाइम से उसको जानते थे, इसलिए हमने मनीष को बता दिया कि वो कहाँ रहता था। मनीष के कॉन्टेक्ट में तो तुम अभी भी होगी ना? हाँ, हमारे पास उसका दूसरा नंबर है। हेलो। हेलो मनीष, हमने ना तुम्हारे भाई का घर खाली कर दिया है। हमें लगा किसी को शक ना हो जाए, इसलिए हम अपने रिश्तेदार के घर आ गए हैं यहाँ पटना में। पटना? हाँ पटना। मनीष, हमने ना तुम्हारे लिए कुछ कैश रखा है कबर्ड में, तुम जाके ले लेना। हाँ, तुमने हमारी कितनी मदद जो की है। अच्छा मनीष, हम तुमसे बाद में बात करते हैं, ठीक है? देखता हूँ। जल्दी से दर्शन बाबू पुलिस को अपडेट करो, क्विक। बोल, ये शद्रा कहाँ है? बोल, ये शद्रा कहाँ है? और उन्हीं बागियों के जरिए तुमने रेणुका के लिए बम का इंतजाम किया। अब बोल, क्या बिगड़ा था शांताराम ने तेरा, जब तूने उसकी बेटी को गायब किया? यशोद्रा का खानदान, हमारे माँ बाप और भाई तीनों का दोषी है। बसपा गांव गए, वहाँ जैसे तैसे तो झोपड़े में अपना वक्त गुजारा, उसके बाद हमारी माँ भी चल बसी और फिर संदीप भैया ने हमें पढ़ाया और खुद बागी मंगल सिंह के गुरुओं के साथ जुड़ गए। बोल, हमारा सरदार मंगल सिंह कहाँ छुपा? हमको नहीं पता, वो जंगल में कहीं भीतर रहता है। तेरा भीतर से बाहर निकला। किसी को अपनी जिंदगी बनाने से पहले यह जरूर पता कर लें कि उस शख्स की असल जिंदगी क्या है। मनीष उर्फ अनिकेत को अपना जीवन साथी बनाने से पहले यशोधरा ने भी उसके बारे में ठीक से जानने की कोशिश नहीं की और उसकी चिकनी चुपड़ी बातों के पीछे एक ऐसी सनक का फितूर था जिसने रेणुका के साथ मिलकर कई और जिंदगियां भी तबाह कर दी। ऐसे लोगों से हमेशा सतर्क रहने की कोशिश करें कि जिनकी मुस्कान भी दोहरी होती है और जिनके चरित्र भी दोहरे होते हैं। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।